अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते हुए ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते बॉस। जब हमें पता चला जैसे बाहर की चीजें ज्यादा असली होती हैं, ऐसे ही ज्यादा असली कयादत बाहर मिलेगी, सो हम उन्हें मिलने लंदन रवाना हुए। हम वक्ते मुकर्रा पर मोहतरमा से मिलने उनके यहाँ पहुँचे, तो उनके दरीना जहीन फहीम हमें अंदर ले गए और हमें बिठाकर मोहतरमा को बताने चले गए। मोहतरमा अच्छे तरीके से मिली, और हमें गुज़श्ता कई बरसों में ARD की तरफ से किए गए सियासी इकदामात की तवील फहरिस्त दिखाई। हमने उनसे बहालिए जमहूरियत के लिए काम करने वाले अफराद के बारे में पूछा, तो उन्होंने हमें उनकी तस्वीर दिखाई। अमरीका तासफ जरदारी को फोन करके पूछा कि वो किस मुल्क में हैं, और उनसे अपनी खैरियत दरियाफ्त करवाई। मोहतरमा, कहाँ मियाँ साहब की APC के लिए इतनी कोशिशें, और कहाँ अचानक यूं सीधे भाव APC को मुलतवी कर देना। क्या ये खुला तजाद नहीं है? मेरे अजीज हमवतनों, आपकी बहना मियाँ साहब को ये खुद पूछे हैं कि उन्होंने APC क्यों मुलतवी किए हैं। मारो उसे! मैं समझा, मुझे आप भी तो APC में नहीं आ रही थी। क्या ये खुला तजाद नहीं? मारो उसे! देखें जी, हम कहे हैं कि जब ARD के इजलास होने जा रहे हैं तो फिर APC की जरूरत नहीं है। मारो उसे! मगर ARD का इजलास भी नहीं हुआ, इसकी वजह जब APC हो रहे हैं तो फिर ARD मारो भी जरूरत नहीं हुए हैं। अगले दिन कुछ अफाका हुआ और हम टाइम लेकर मियां सियासत शरीफ से मिलने उनके घर पहुंचे। कॉल बेल पर उंगली रखी, मगर बेल बजने से पहले ही दूल्हा शरीफ ने दरवाजा शरीफ खोल दिया। उनकी तेजी से हम फिर बहुत मुतासिर हुए, बड़े तपाक से गले मिले और अंदर ले जाते हुए बताया, वो जी आजकल मैं दरवाजे शराजे के पास और पाजी फून शून के पास होते हैं। आइए आइए तशरीफ। अंदर गए तो सियासत शरीफ साहब अपने दरीना कुक के साथ APC का मेन्यू मंसूख कर रहे थे। हमें देखकर इस कदर खुशी से हमारी तरफ लपके कि हमें यकीन हो गया उन्होंने हमें नहीं पहचाना। दुल्हा शरीफ ने बताया, अब मैं और पाजी पहले वाले नहीं रहे। सबूत के तौर पर हमें पहले और अब वाली तस्वीरें दिखाई। उन्होंने अपना प्लान दिखाया, हमें वो लाहौर की टिकटें दिखाई जो वो जद्दा जाने के लिए वक्तन फवक्तन खरीदते रहते हैं। आप जद्दा जाने के लिए लाहौर की टिकटें क्यों खरीदते हैं? बेशक छोटे से पूछ लें, जद्दा वाया लाहौर नेड़े पड़ता है। ये टिकटें सब मुख्तलिफ एयरलाइंस की हैं, पर आपने इन सब पर मार्कर से PIA लिखा है। क्या ये खुला तजाद नहीं?
पीआईए से मुराद पहुंचेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने दुनिया भर से आए हुए मुस्लिम लीगी अफराद के एक इज्तमा से खताब किया और बड़ी वजाहत से अपना मौकफ बयान किया। अदालती बहरान से परेशान होकर कुछ देर चुप रहे, फिर इस्लामाबाद से आई नई कैसेट सुनी। शरीफ लाई है दरीना कुक ने मोहतरमा को मेन्यू पेश किया ताकि वो सिलेक्ट कर सके कि क्या खाएंगी। मोहतरमा ने मियां साहब को नई रेसिपीज नोट करवाई, फिर मीडिया के पुरजोर असरार पर उन्होंने एमआरडी के इजलास का ऐलान किया। आप हैं तो इजलास शुरू करें, किसका इंतजार है। फौरन इजलास शुरू कर दिया गया। कुछ देर बाद मोहतरमा ने किसी अहम फोन के इंतजार की वजह से एआरडी का इजलास खत्म किया और इजाजत चाही। सियासत शरीफ साहब ने हमें एआरडी के पिछले इजलासों के अहम फैसले दिखाए। हम रुखसत होने लगे तो हमें लिफाफा पेश किया गया। हमने मुआजरत की, लेकिन उसी दौरान हमारी नज़र लिफाफे के अंदर जो था उस पर पड़ी तो हमने मौजरत किए बगैर उसे कबूल कर लिया और इजाजत चाही। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कंक्लूडिंग इजलास हो रहा है। मुश्तरका इलामिया किसी वक्त भी जारी हो सकता है। इजलास की इख्तितामी कार्रवाई बराहे रास लम्हा बलम्हा आप तक पहुँचाने के लिए हमने कुछ खास इंतजाम किया है। देखिए हजरत, मौलाना आप हमें भी मुखातिब किए हैं या नहीं? जी मोहतरमा, हम जब भी हजरत कहते हैं तो आप उसमें शामिल होती हैं, क्योंकि 73 के आइन के तनाजुर में अगर हम अपने मंशूर को देखें तो हम किसी औरत से मीटिंग करने के मुकल्लफ नहीं हैं। सो हमने आपको हजरात की फहरिस्त में शामिल करके एक जवाब पैदा किया है। नहीं, हम मौलाना की तायीद करते हैं। और जी जल्दी जल्दी मुश्तरका इलामिया फाइनल करें, बाहर सारा खाना ठंडा हो रहा है। देखें जी, हमें किसी जगह पहुंचना चाहिए। कहाँ पहुंचने, ये एलामिया तो फाइनल कर लें। देखें जी, मैं यही तो कह रहा हूं। हम आप लोगों को साफ साफ कहे हैं कि हमें मुश्तरका पे एतराज हुए हैं, इसलिए मुश्तरका एलामिया में ये नहीं होने चाहिए। ये मुश्तरका देखिए, 73 के आयन के तनाजुर में लफ्ज़ों की ज़्यादती नफ्स मज़मून को मुतासर करती है, इसलिए गौर खोज के बाद हमने तय किया है कि तहरीरी इलामिया की अबारत पर बार बार गौर खोज किया जाए। हमारे नुक्ते नज़र में ये इलामिया अल्फाज की बचत के साथ यूं तहरीर होगा। सबको पता है सदर परवेज़ मुशर्रफ ही हैं, इसलिए
उनका नाम जायद है। लफ्ज असेंबलियों का तकरार भी अच्छा तासुर नहीं दे रही। फिक्रा बना, सदर ने अगर खुद को मौजूदा से दोबारा सदर मुंतखब करवाया तो हम इस्तीफा दे देंगे। यहाँ लफ्ज सदर का तकरार भी सऊदी इतबार से भला नहीं लग रहा, लिहाजा एक सदर मिटा देते। देखिए, हम ये कहते हैं कि मौजूदा सदर तो खुद को मुंतखब करवा चुके हैं, इसलिए मुंतखब करवाया इजाफी है। देखो मेरा भाई, आपसे हम इख्तलाफ किए हैं, आप सिर्फ भाइयों को क्यों मुखातिब किए हैं? देखिए जी, असल मसला ये है, ये बैरून मुल्क क्यादत की जगह पर होना चाहिए सिर्फ क्यादत। क्योंकि सबको पता है कि क्यादत बैरून मुल्क ही है। देख मेरा भाई, इस्तीफा बहुत पावरफुल लफ्ज है, इसलिए इसको जली में लिखना चाहिए। और देखें जी, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के बाद ही असल क्यादत आती है, इसलिए ये पहले जायद है, बहुत लिखा जाए। नाज़रीन, हमें अभी अभी इत्तला मिली है कि मुश्तरका इलामिया तैयार हो गया है, उसके बारे में जानने के लिए आइए हमारे साथ। एक्सक्यूज मी जी, मुश्तरका इलामिया की किसी शिक पर अपोजिशन पार्टियों में कोई इख्तलाफ तो नहीं रहा? देखिए जी, मुश्तरका इलामिया की किसी शिक पर हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं रहा, हमने हर पार्टी के एतराज और तजावीज़ से उससे मुरतब किया है। क्या मैं ये मुश्तरका इलामिया देख सकता हूँ? जी हाँ, बोर्ड पर लिखा है इन चार शिकों पर किसी को इतराज नहीं। जी थैंक यू वेरी मच, वेलकम। ऑल अपोजिशन पार्टीज का इलामिया? हैं जी? हाँ जी। हम सब उम्मीद से हैं, नाज़रीन इनमें से कौन बनेगी बेनज़ीर, ये फैसला आप करेंगे। ऑडिशन शुरू करते हैं। जनाब सद, हम अपनी तकरीर को स्टार्ट आपसे किए हैं। अब मेरे बहनों, भाइयों, किसानों, मजदूरों, सब लोग इस बात का यकीन कर लें कि हम डील नहीं किए हैं। आपके पास 20 सेकंड रह गए। हम जिद्दोजहद जिद्दोजहद किए हैं, इसलिए हम पीएम बने हैं। आपने कभी ये ठीक है, आपने कभी जिद्दोजहद किए हैं? थैंक यू, ठीक हो गया, वेरी गुड। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नेक्स्ट। मेरे बहनों, मेरी भाइयों, जियालों, हम जी एक्शन। मेरे बहनों, मेरी भाइयों, हम पाकिस्तान आने के लिए सदर से डील नहीं किए हैं, हम एयरलाइन से डील किए हैं टिकट के लिए। हम इसका चश्मदीद गवाह हैं। आप हम जनरल इलेक्शन की बात किए हैं, जनरल के इलेक्शन की नहीं,
सदर के फोन से वो कांपते हैं जिनके मोबाइल फोन वाइब्रेशन पर होते हैं। हम फोन ऑफ करें। सदर अजूब की तस्वीर ट्रक ड्राइवर अपने ट्रकों पर लगाते हैं, शायद इसलिए कि वो समझते हैं सदर अजूब ने भी हुकूमत ऐसे चलाया जैसे वो ट्रक चलाते हैं। हमारे सदर की तस्वीर जहाज पर लगने चाहिए, वो मुल्क को उड़ा रहे हैं। थैंक यू जी। हमारा तकरीर तो अभी बजना शुरू हुआ है। अब आप उठ जाएं। नेक्स्ट। कैसे उठ जाएं? ये कोई हुकूमत है जिससे आप आसानी से हमको निकाले हैं? हम अपना ऑडिशन पूरा दे करके जाएंगे। नेक्स्ट। एक मिनट, हम ये भूल गए हैं, आप देखे हैं आपकी बहना आप अवाम को कितना मिस किए हैं। हम अपनी तकरीर इस शेर पर खत्म किए हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी प्राइम मिनिस्टर की सूरत हो खुदाया मेरी। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू मेरे अजीज। वो सॉरी, असल में फर्स्ट टाइम है ना, वो ना मैंने जारी रखें। मैंने मोहतरमा के बारे में बड़ा, उनकी और मेरी कई बातें मिलती हैं, मुझे भी घर पे पिंकी कहते हैं। तकरीर तकरीर। हेलो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आवाज ठीक है? आपकी बहना बाहर से इसलिए है कि अंदर होना बाहर होने से बेहतर है। नहीं, उलट हो गया। आपकी बहना बाहर इसलिए है कि, फिर कर ले, आपकी बहना अंदर इसलिए है कि बाहर होना अंदर होने से, फिर गड़बड़ हो गया। आपकी बहना बाहर। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट। अजीज हम वातनो, पानी का गिलास है? जी, एक्शन। एक्शन? वो असिस्टेंट ने बताया है कि सिर्फ तकरीर करने हैं। बोलें। अजीज हम वातनो, अजीज हम वातनो। शुक्रिया। कैसे हुए हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट। आपका ऑडिशन हो चुका है। वो अच्छा नहीं हुआ, हम फिर कर लेते हैं। मैं मोहतरमा की तरह चल भी सकती हूँ, देखें। नेक्स्ट। शुरू करें। अजीज हम वतनों, लोग पूछे हैं मुल्क में जमहूरियत कब आए है, आपकी बहना बहुत जल्द आए है। अभी आपकी बहना को इलेक्शन कैंपेन पर बार बार अमेरिका जाना पड़ता है। नेक्स्ट। आपकी बहना को वोट देना है आपने, हम विनेंगे विनेंगे विनेंगे। इनमें से कौन बनेगी बेनजीर,
ये फैसला आप करेंगे। एंजी, मैं आपके लिए मिसाके जमहूरियत फ्रेम करके लाया हूँ खुद अपने हाथों से। मिसवाके जमहूरियत? आती हो ए आरटी बुलाती है तुम नहीं आती हो। हुकूमत की डीलों से बढ़ के हो तुम, सियासत जमहूरियत इलेक्शन हो तुम। शील ये अजाब है, धोखा बेहिसाब है, रास्ता ये खराब है। तौबा है मेरे भाइयों, ये वो माफी नामे हैं जो हमने 17वीं तरमीम में सदर मुशर्रफ की हिमायत करने पर लिखे हैं। इनको लिखने में जो जिद्दोजहद की, उसके समरात में से एक समर अभी आपके सामने आने वाला है। नया सदर मुंतखब होने पर मैं पूरी कौम को, सारी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखे जी, 73 के आयन के तनाजुर में काजी साहब का ये इस्तेहकाक है कि मिन हसल कौम मुबारकबाद दें, मगर हमारी जहद मुसलसल को ना भूलें। ये एक तवील लामतनाही सिलसिला कोशिश है जिस पर हम भी तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जी, मैं समझता हूँ ये मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है, मगर मैं मुबारक नहीं दे सकता क्योंकि यही फ़र्क है मुझ में और दूसरों में। देखिए, पहले भी हम ये बात किए हैं कि जमहूरी कल्चर के वास्ते ज़रूरी हैं कि नए सदर आए। इसमें सब हमारी ताकत हैं और हम खुद को मुबारकबाद दिए हैं। और देखिए जी, ये कोई ऐसा इशू नहीं जिस पर बहस करते रहें। मेरे ख्याल से तब्दीली होनी थी, हो गई। फजूल बातों का
खड़का सोने सिद्धा धरा मेरे जवाने ना 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 एक्सक्यूज मी ये शेरी का स्टूडियो है आप आई है तू 10 बजे का टाइम था तेरा एक्सक्यूज मी आप कौन है शेरी लगता है लाहौर में नई आई हो इसलिए शेरी को नहीं जानती पूरा पाकिस्तान जानता है मुझे और पूरा पाकिस्तान आपका वजह शोहरत भी जानता है एनीवे नाइस टू मीट यू लेकिन आपका स्टाइल कुछ खास समझ में नहीं आया मुझे मेरे स्टाइल को मत नोट करो मैं लोगों को स्टाइल देता हूँ अंडरस्टैंड अपेरेंटली बहुत मोटी हो गई हो तुम ये एड एजेंसी वाले भी पता नहीं मुझे क्यों इतने चैलेंजिंग शूट्स दे देते हैं कहीं तुम उस स्किम्ड मिल्क के शूट के लिए तो खुदा ना खास्ता नहीं आई ना जी नहीं मैं हरे भरे शरबत के एड के लिए आई हूँ गॉड तुम कोई पंजाबी फिल्म क्यों नहीं कर लेती तुम्हारा चेहरा और वजन तो बिल्कुल परफेक्ट है एक खड़ाकेदार फिल्म करने के लिए well, at least I'm not confused about my gender. I don't think we can work together. मैं जा रही हूँ. I have to speak to this agency. पता नहीं कहाँ कहाँ भेज देते हैं मुझे. अतीका, baby, मैं तो मजाक कर रहा था. असल में तो मैं साथ पहली दफा काम कर रही हूँ ना. मेरा पहली मीटिंग में डील करने का इस तरह तरीका है कि फ्रैंकनेस डेवलप हो ताकि हमें काम करने का मजा आए ना, baby. Hi, you're so lucky कि मैं अभी तक तुम्हारे साथ फ्रैंक नहीं हुई क्योंकि फिर इतना मजा आता कि पूरी जिंदगी याद रखते तुम. Naughty girl, चलो आके चाय पीते गॉसिप करते वो एड एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव अभी तक नहीं आया रोहिल नहीं आया अभी तक मैं इसको फोन करती हूँ ना आ जाता है वो कहीं नहीं जाता तुम चलो और ये गंदा था मोटा सा मेकअप का बॉक्स उठा के ले आई हो रखो इसे चलो चलो आओ मैं किसी का गंदा ब्रश अपने चेहरे पे नहीं चलो तो सही ये पापे ना चाय में डिबो के खाने का अपना ही मजा है वैसे थोड़े सौगी हो गए हैं लेकिन हैं बड़े मजे के खाओ ना नो थैंक्स मैं होटल से पूरा नाश्ता करके आई थी ये रोहेल का रह गया अरे हाँ मुझे याद आया वो रोहेल का फोन आया था मुझे कह रहा था कि उसको थोड़ी सी देर हो जाएगी हम शूट स्टार्ट कर दें कॉन्सेप्ट वो मुझसे डिस्कस कर चुका है तो पहले क्यों नहीं बताया हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं ईजी एक्टी बेबी ईजी पहले चाय तो पी लें काम भी हो जाएगा वैसे भी हम औरतों को काम के अलावा और आता ही क्या है सुबह काम शाम को काम और रात को बे आराम तुम ये पापे लो इससे एनर्जी लेवल अप हो जाएगा व्हाई व्हाई गॉड व्हाई व्हाई मी मेरा मतलब है कि पूरी दुनिया झाड़ के नमूने मुझे ही क्यों मिलते हैं व्हाई डू आई हैव टू बर्दाश्त करो ऑल टाइप्स बेबी बर्दाश्त कर या पास कर जरा ये पापे तो पास कर देना सामने तो पढ़े कितने पास करूं When I start the PlayStations With a heart so dark My thoughts are made Satan Every time I flip tracks I make them know this shit's whack Scratch a tic-tac We'll give you flavor What are you doing? मेरा मतलब है मुझे तो सुबह अंदाजा हो गया तुम मुझे पसंद नहीं करते ठीक है ना लेकिन और खुशी तो इंसान की बच्ची सोच लो यार बाहर ऐसे खींचो जैसे मैं पता नहीं पड़ोसी से लेके आई हूँ और आंखों के साथ जो कर रहा हूँ मेरे तो डेले गिर जाएंगे शेरी फिर से कहो क्या डेले बहुत क्यूट लगता है तुम्हारे मुंह से नहीं मैं यहाँ तुम्हें एंटरटेन करने नहीं आई हूँ वैसे ओ प्लीज आटी आटी मेरा नाम अतीका है ठीक है ना मुझे एटी फैटी ऐसे निकनेम्स अच्छे नहीं लगते प्लीज एड्रेस मी बाय माय रियल नेम एंड ये जो ये गंदा सा मेकअप है इसको खत्म करो कम ऑन तुम गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो और आई सिंपली लव इट जब लोग मेरे साथ रूड होते हैं आई लव वायलेंस कम ऑन बेबी मैं भी ये पैसों की लालच में शरबतों के इश्तेहार क्यों लेती हूँ It's okay. If you can spit it fatter and protracted, I will. My skills know for knocking is out like NyQuil. I'm ill. As age patience when I start the PlayStations. With a heart so dark, my thoughts are made Satan. Display patience when you're waiting to see me.
way sick, you got a spark off. Verbal sawed off through the mic, I spit rap with so much force. They came back, we made my wrist snap. I diss cats who chit chat the dispatch. Every time I flip tracks, I make them know they shit's whack. Scratch a tic tac. मुश्किल शूट था, ऊपर से उसका इतना मुश्किल मुंह और वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती। नहीं, आई थिंक शी लुक्स रियली ब्यूटीफुल हियर। शेरी साहब, रोहेल, स्टॉप बीइंग फॉर्मल। ये साहब मुझे जहर लगता है। एंड शेरी, दैट साउंड्स रियली हेवी। क्या मतलब आपका? मतलब ये कि तुम मुझे किसी और नाम से बुलाओ। कॉल मी शुगर, कॉल मी कैंडी फ्लॉस, कॉल मी प्लम, यू नो समथिंग रियली क्यूट। नो, आई थिंक आई विल जस्ट स्टिक टू शेरी। स्टिक टू शेरी, ओनली शेरी, आई लाइक इट। चल खैर, सारी बातें छोड़े, काम की बात करते हैं। आपको पता है जो कॉन्सेप्ट हमने अपने क्लाइंट के लिए बनाया था, यानी कि हरा भरे शरबत वालों के लिए, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। दे हैव रिजेक्टेड। ओह नो, मेकअप करते करते मेरी उंगलियां टूट गई, तस्वीरें बनाते बनाते मेरी आंखें अंधी हो गई। मुझे पता था, विधवाओं के सर पे हमेशा खाक ही पड़ती है। शेरी साहब, आई मीन शेरी, वी आर विलिंग टू पे फॉर द डैमेजेस एंड द रीशूट। बस प्रॉब्लम छोटी सी है, जो हमारे बॉस है ना, जो हमारे क्लाइंट, ही इज इन बैंकॉक विद हिज फैमिली हैविंग अ वेकेशन। अब आपको तो पता है ईमेल पे कितनी बातें हो सकती हैं, कंफ्यूजन हो जाती है, बंदे को फिजिकली एक दूसरे के सामने होना चाहिए ना। डैमेजेस, ये तो आपने ठीक कहा, एक दूसरे के सामने बैठ के बात होनी चाहिए। एनीवेज, आई जस्ट डू इट जस्ट बिकॉज ऑफ यू, वरना ऐसे मौकों पे तो मैं एक नागन बन जाती। लेकिन अतीका को इसके बारे में कैसे बताएंगे? हाँ, वेल, ये मेरा मसला नहीं है, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। नो वे, दिस इज नॉट हैपनिंग। मेरा मतलब है कि पूरी शूट करने के बाद तुम लोग मुझे अभी बता रहे हो कि क्लाइंट आपको अप्रूवल नहीं दे रहा। दीस अप्रूवल्स शुड हैव बीन टेकन बिफोर आई केम फ्रॉम कराची। आई एम सो सॉरी। अतीका, प्लीज उस बेचारे की बात तो सुन लो। मैं क्या बात सुनूं? व्हाट इज ही गोइंग टू से टू मी? आई हैव नेवर हैड सच अ बैड एंड अनप्रोफेशनल डे इन माय लाइफ। मैं 20 साल से काम कर रही हूं शेरी। 20 साल? कितनी बड़ी हो तुम। नो, शी इज वेरी गॉर्जियस। गॉर्जियस? जब मैं स्कूल जाया करता था उस वक्त का ड्रामा दस टीवी पे आया करता था। गॉर्जियस जानी, तुम स्कूल पे क्यों रुक गए हो? मेरा मतलब तुम तो बेबी कॉट में बेबी सीरियल जब खा रहे थे उस वक्त तक चल रहा था, है ना? और अब मैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आई थी सब कॉन्टिनेंट। अब तो मेरा एक मुजस्मा जो है ना बन के ना वो म्यूजियम में जाएगा, तो तब वहाँ पे भी तुम आके मुझे मिला करोगे, है ना? तो बात दिक्कत, तुम कितनी बड़ी टाइम बन गई हो। मैं तो असूल की बात पे ना बहुत कुछ बन जाती हूँ। मैम, आई एम रियली सॉरी, हमारे साथ भी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मसला क्या है अतीका? वो लोग डबल पेमेंट तो कर रहे हैं, सिर्फ 2 घंटे का काम है, फिर काम खत्म हो जाएगा। तो आंटी, आपने ये सब कुछ पहले मुझे क्यों नहीं कहा? तुम जो बोले ट्रेन की तरह चुक 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 बोले तेरी जा रही थी स्पीड में। तो बा, कितनी लालची हो तुम। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझा दिया कि ये जो बेतकल्लुफ एक ये एटीट्यूड है ना तुम्हारा, इट्स रियली बैड फॉर योर हेल्थ। समझ रहे हो ना मेरी बात? एनीवे, जी रोहेल, बताइए कॉन्सेप्ट क्या है अब? एक्चुअली मैम, क्लाइंट चाहते हैं कि हम कुछ मॉडर्न, कुछ डिफरेंट, कुछ अपबीट करें। एज इन? एज इन ये जो आपका रेड ड्रेस है। लेट मी एक्सप्लेन दैट। ये तो एकदम से विशेस हो जाती है, एंड आई डोंट वांट यू टू गेट हर्ट।
अतीका, ये लोग चाहते हैं कि आजकल के दौर की कोई मॉडर्न और वाइल्ड से लुक होनी चाहिए, और ये रेड सलवार कमीज एंड दुपट्टा टिपिकल भैंजी टाइप की लुक, और ये कुछ खांसी के शरबत का इश्तिहार टाइप चीज लगती है ना। एक्चुअली मैम, ये जो आपकी रेड लुक है, इट्स नॉट समथिंग फॉर द यंग जनरेशन, बिकॉज हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टारगेटिंग पीपल हु आर यंग जो कि ये खरीदेंगे, और आप जाहिर है अब रमजान में सिर्फ अफ्तारी के टाइम पे तो नहीं ना बिकना, पूरा साल बिकना है। एंड डोंट वरी, आई हैव अ वेरी फंकी लुक इन माय माइंड, यू नो, करीना कपूर टाइप लुक, व्हाटएवर। चलिया चलिया ओ चलिया। फोटो शूट तो फिट हो गया, बस अब बॉस की ईमेल आने दो, आई बेट ही विल लव इट। आई कांट इवन स्टैंड हर फॉर अ सिंगल सेकंड। पता नहीं मैं स्टूडियो में बैठी उस वक्त से वो क्या कर रही है। आई हेट हर। शेरी, आज रात वो अबू धाबी जा रही है, दोबारा बुलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जस्ट बेयर हर फॉर मी टुडे। अच्छा ही है, इस तरह मेरे अंदर के इंतकाम को तो तसल्ली मिल रही है। बुस रही होगी वो अंदर बैठी हुई। लेकिन एक बात याद रहे कि अब वो अपने पैरों की तस्वीर भी नहीं बनवाएगी दोबारा। लेकिन हाँ, मुझे तुम्हारे साथ गप्पे लगाना अच्छा लग रहा है। चाय पापे खाओगे? नो थैंक्स, ईमेल आ गई। गुड। हाँ, चेक करो ना। बॉस को फोटोशूट तो पसंद आ गया, लेकिन कहते हैं विगे उतारनी पड़ेगी। वैसे कपड़े ठीक हैं। क्या? मेरी इंपोर्टेड विगे पसंद नहीं आई उन्हें? और वो कपड़े, वो तो मैंने बेडशीट्स पार्टी से पहनाई थी, और अपनी क्लोजेट से वो फ्रिज उसको गिर लपेटी थी। व्हाटएवर, फोटोशूट तो दोबारा करना पड़ेगा ना। ओह नो रोहिल। बस अब मैं और नहीं सुनूंगी, बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये शूट नहीं हो सकती, आप किसी और को ले लें, क्योंकि अब तो मेरी जूती भी पिक्चर नहीं खींचेगी। मैन, वी विल पे यू एक्स्ट्रा। आई डोंट वांट योर डिस्गस्टिंग मनी। मेरे मतलब मैं, आप किससे बात कर रहा है? आप जानते हैं मेरा वकील वैसे ही आपसे पैसे निकलवा लेगा। मैन प्लीज, मैन वेट प्लीज। ओह फॉरगेट इट, इतने में तो कोई भी मॉडल मिल जाएगी। वैसे अगर ये विग मैं पहनूं तो बिल्कुल अतीका लगूंगी। तो मैं कोई हक नहीं इतने सुंदर लगने का। Not fair, wicked, whatever. Assalamualaikum. और आज पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे के मौके पर हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज। इनका ताल्लुक गवर्नमेंट के शोबे से है। ये एक हमारे सरकारी अस्पताल की नर्स हैं। तो चलिए आइए इनसे कुछ बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका नाम? नाम जानने की कोई जरूरत नहीं, स्टाफ कह सकते हैं, समझ आई है ना? ओके, सो सिस्टर, एक मिनट, वे सिस्टर होएगी तेरी बहन, मैं क्या ना स्टाफ? ओके, मेरे कहने का मतलब ये है स्टाफ के, जैसा कि आपको पता है कि हमारे सरकारी अस्पताल की इतनी बुरी हालत है और वार्ड्स मरीजों से खिचाखिच भरे होते हैं, राइट? और मतलब इतना प्रेशर होता है, तो इतना प्रेशर के अंदर आप कैसे काम करती हैं और इतने प्रेशर के बावजूद आप अपना गुस्सा किस पर निकालती हैं? मरीजों पे, उन्हें गलत टीके लगा के, और कैसे? मैं पानी को ले आवे। एक मिनट यार, पानी लेके आना। वे, ओए, उधर खड़ा छोले खाता, चल पार बढ़ा, चल रहन दे, प्यास बुझ गई मेरी, दफा, पानी भी ना दिशो होते नहीं। खैर खैर खैर, अच्छा, मैम, ये बताइए कि आपने अब तक कितने ऑपरेशंस किए हैं? मैंने अभी तक 300 बड़े हैं? बड़े और छोटे कुछ समझ नहीं आया। छोटे, बड़े का मतलब समझा करें ना आप, पर्दे पुर्दे सी के आई हूँ अपने हाथ के सारे। ओके, टू मच ऑफ द डिटेल। अच्छा, हम बात को चेंज करते हुए ये बताइए कि आपका फेवरेट हीरो कौन है? मुझे ना शान बड़ा पसंद है, खास तौर पे जो मुश्किल से अंग्रेजी बोलते हैं ना, बहुत okay, अच्छा okay, लगता है। okay. अच्छा मैम, आपकी शादी हो गई है? हाँ जी, मेरी शादी हो गई, 6 बच्चे हैं, लेकिन आज तक मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। प्यार नहीं मिला, क्या मतलब? सच्चा प्यार मतलब वही इंग्लिश फिल्म वाला प्यार है, और कौन सा? मैम, ये शो लाइव जा रहा है, बंद ना करवाइएगा। अच्छा खैर, अब आप ये बताइए जाते हुए, ओ एक मिनट, एक फोन कॉल आ गई। मैम जी, जी कौन बात? जी, मैं मुर्तजा गल कर रहे हैं। ए बाजी को पूछो, सही आए दिन हड़ताल करके बैठे होने वजह की है। तो आप हड़ताल करती हैं, आप काम कब करती हैं? इसका फोन, ये है कौन बे? तू होएगा हिलिया कैसे होगा? हैं, हम सारा दिन काम कर कर के हलकान हुई होती हैं, सारे घर में हांडी चूल्हे पे रख के हम जाती हैं, जाके मरीजों की खिदमत करती हैं, सारा अपना टाइम देती हैं आके, तो हमें इतना भी शौक नहीं कि हम हड़ताल ना करें। हम, मैंने तो हड़ताल इसलिए की थी कि अस्पताल की हमारी कैंटीन में एक खाना सही नहीं मिलता, मैंने कब कहा है कि मेरे पैसे बढ़ाएं? तौबा। अच्छा, जाते हुए आप पाकिस्तान डे के मौके पे हमारी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगी? इससे ज्यादा मैं अपनी कौम को मोहब्बत का सबूत क्या दूंगी, ये देखें मैं हालत से हूँ, फिर भी आपका शो करने के लिए आई हुई हूँ। लेकिन जहां तक बात रही ना पैगाम की, तो मैं आजकल की खवातीन को यह पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आज के बाद आपको कोई मर्द तंग करे, तो आप उल्टे हाथ की पुट्ठे हाथ की उसके चपेट दें, बाकी लत से लत रख के उसे चीख दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई और आज के मौके पर आपने इतने खुल के डिस्कशन की, सो अब हम इजाजत चाहते हैं। हम सबका अल्लाह ही हाफिज आप लोगों का। पागल तो तू है जो मुझे ऐसे करती है, इज माय मेकअप ओके? हेलो, हाउ आर यू? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये हमारी टीम में नए आए हैं, इसलिए शर्मा रहे हैं शुरू शुरू में। चल पैर बढ़ा, ये क्या कर रहा है? ध्यान दीजिए, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। ए ए ए, मैं तेरे को क्या बोलती, बच्चा गोदी में करना? आ, 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 ए, कपड़ा निकाल, अपना नहीं बच्चे का निकालने का बाबा। जी तो नाजरीन, समझ तो आप गए होंगे कि हमारी आज की मेहमान कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि पड़ोसी मुल्क की एक बहुत मशहूर एयर होस्टेस हैं। तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। जी मैडम। नहीं, बिल्कुल एकदम अच्छी ना, मेरे साड़ी का बॉर्डर कैसे लगता है? बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है, आप फिक्र ना करें। अच्छा, तो ये बताइए कि आप कितने अरसे से सर्विस दे रही हैं इस इंडस्ट्री में? सर्विस बोला तू? सर्विस नहीं बोलने का, सर्विस का मतलब मालूम, मसाज। मसाज नहीं बोलते, सेवा कैसे करती है? मेरे कहने का वही मतलब था।
अच्छा, लेकिन बात यह है कि लोग तो कुछ और ही कह रहे थे। ऐसे बोले वो? क्या बोले वो? वो हमारी इस एयरलाइन से निराश हैं। ऐसी क्या बातें? मैं तो उनके मनोरंजन का इतना ख्याल रखती है बाबा, मैं तो उनके लिए गाना भी गाती है। चुटकी जो तूने काटी तो यहाँ वहाँ उलला उलला। और मैं बोलती हूँ, देखो कितना ध्यान दीजिए कि ना एक एक टॉफी सबको मिलेगा, क्योंकि अगर एक एक से ज्यादा टॉफी खाने का तो गिर जाने का। मैं तो सबका इतना ख्याल रखती हूँ ना। वैसे ठीक ही बोलते हैं वो लोग। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। खाली पीने नहीं बोलने का। हाँ, मैं तेरे को बताती है, मैं जहाज में जाती है, वहां माइक लगाती है, अनाउंसमेंट करती है, कृपया ध्यान दीजिए, आप सबका स्वागत है, और आप बेची और काम खा में इधर उधर सीट नहीं बदली करने का, क्योंकि क्या है चीजें इधर उधर हो जाए तो फिर क्रू सही का जिम्मेदार नहीं होता ना, सबका ख्याल रखती ना मैं। वेरी सीरियस पॉइंट। लेकिन आई यू श्योर मैम कि ये अनाउंसमेंट लोगों को अच्छी लगती होगी? मेरे नजर में तो ये मौत के बुलावे से ज्यादा होगा। अभी बताना, हाँ एक लाफा देगी ना वो, क्या है ना मेरे आई बाबा ने मेरे को मना किया कि किसी भी हाथ में उठाने के बाद एक देती तेरे को। चले छोड़ें, ये बताएं कि आप ऐसी कैसे अनाउंसमेंट करती हैं कि लोगों के कानों में रस घुलता है? वही तो बता रही ना बाबा कि जब कोई बड़ा मेरे को बार बार घंटी मार के तंग करता तो मैं इसको बोलती कि बाबा रुक जाओ, शौचालय थोड़ा बिजी है, अगर कोई इमरजेंसी है तो बाहर जहाज के बाहर जाके अपना काम करने का। ओके ओके। शौचालय, बाय द वे शौचालय वो क्या? शौचालय मतलब संडास, टॉयलेट। That's too much of the information. अच्छा, वैसे by the way, मैंने ये सुना है कि आपके मुल्क में यानी आपके देश में शौचालय टॉयलेट की बहुत प्रॉब्लम है। अरे हाँ रे बाबा, इसलिए तो हम लोगों ने वो फिल्म बनाई टॉयलेट, उसमें बताया ना कि घर घर में शौचालय होना जरूरी है, वरना क्या है ना कि बाहर जाके खेत में हरियाली नहीं करने का। That's a detailed information, man. अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि इंडियन और पाकिस्तानी एयरलाइंस में क्या फर्क है? अरे वही फर्क है, देखिए तुम्हारे जहाज में जो टॉयलेट है वो आगवाड़े में, हमारे में पिछवाड़े में, और बता। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मैम मैम एक मिनट एक मिनट, एक फोन कॉल ले लेते हैं। हेलो, ओ जी मैं मुर्तजा बात कर रहा हूँ। और ये जो मैडम है जो बैठी हैं, ये हर तरफ घूमती रहती हैं, इन्हें और कोई काम नहीं है क्या? काट इसको, घूमती रहती है, तेरे को क्या पता कि मैं घूमती रहती है? नहीं, मैं तो लोगों की सेवा करती हूँ, मैं तो काम वाली बाई बल के इधर से उधर जाके लोगों की ट्रे देती, कभी जाके लोगों के चड्डे बदल रही होती, कभी बच्चा लोग को चुप करा रही होती, कभी दूध पिला रही होती, मैं तो काम वाली बाई, मैं कहाँ से घूमती है? मेरी तो जिंदगी एकदम से ऐसी हो गई, ना पति का प्यार मेरे को मिलता, ना मेरा बच्चा लोग मेरे से खुश, ना मेरे आई बाबा मेरे से खुश, मैं तो काम वाली बाई, इतने लोगों की सेवा करती और मेरे को यही सुनने को मिलता कि मैं घूमती। ओके ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया। लेकिन जाने से पहले आप हमारी पब्लिक, हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको जाने से पहले इस देश और उस देश सारों को ये पैगाम देना चाहती कि प्रोफेशन कोई भी हो, हमें मान सम्मान देना जरूरी है। अभी एयर होस्टेस का प्रोफेशन क्या है ना, आपको पता है घर घर गृहस्थी का भी ख्याल नहीं है, हमें कितने कितने दिनों बाद घर जाने को, बच्चा लोग का, पति लोग की शक्ल देखने को पड़ता। और हाँ वो देखो मेरी वैक्सीन, इतना अरसा हो गया मेरी वैक्सीन वाली माई भी नहीं आई ना, देखो इतना बड़ा बड़ा बाल निकल आया। खैर कोई नहीं, वो तो जाने दो, वो तो पति जो है मेरा हर लिहाज से मुझसे प्यार करता है, लेकिन ना थोड़ा सा मेरे को सम्मान देने का, हमारे प्रोफेशन को सम्मान देने का, आखिर हम भी इज्जतदार लोग हैं, हमारे साथ ऐसा। थैंक यू वेरी मच मैम, आप हमारे शो पर तशरीफ लाएं। नमस्ते, आई मीन अल्लाह हाफिज। सच्ची बोलते मेरे को आवाज सही आने का कि नहीं आने का, मेरे को बताओ वरना फट जाने का। ये बताइए कि आपकी मूंछों का राज क्या है मैम? अच्छा, आर यू श्योर कि इतनी खौफनाक अनाउंसमेंट सुनने के बाद
फट नहीं जाती उनकी. यू नो वॉट, प्लीज डोंट फॉरगेट माई लुई विटॉन, ऑलराइट? एंड आई होप द किड्स आर इन द क्लास. Not really, huh? Till I talk to you later, huh? I'm into it, Kuli. I'm you. Bye. जी तो नाजरीन, समझ तो आप गए होंगे कि हमारी आज की मेहमान एक इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल की ओनर है. तो चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि वो उनके पढ़ाने का अंदाज क्या है. अस्सलाम वालेकुम मैडम. ओह हेलो. Hello madam, how do you do? Well, I do it really well. How do you do? Okay, I am quite fine. ये बताइएगा कि आपके स्कूल का नाम क्या है? Oh my gosh! मैंने आपसे आपके स्कूल का नाम पूछा है. तो वही तो बता रही हूँ. Oh my gosh, private limited. माजरत के साथ, कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ये बताते हैं कि आप फीस बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं. What? How they crazy? कहाँ ज़्यादा है? मैंने 5 बच्चों के एनरोलमेंट से तो अपने डिफेंस में प्लॉट लिया है. And now I want to go to Prague. उसके लिए भी मुझे और स्टूडेंट्स एनरोल करने प्राग जाना ज्यादा है. अच्छा खैर, आपके स्कूल के तालीम का मायार क्या जस्टिफाई कर रहा है, हो रहा है जस्टिफाई इस तरह से? बिल्कुल. किस तरह जस्टिफाई नहीं कर रहे? मेरे स्कूल में हर दिन एक नया दिन है. आई हैव सेपरेट डेज. पिंक डे फॉर पिंक थीम, हेवन एंड हेल डे, होली एंड व्हाट नॉट. और बाय द वे, हमारे यहाँ फ्राइडे को स्टडीज भी होती हैं. ओके 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 ओके. एक्सक्यूज मी मैडम, आपके ज़रा सवालात इस तरह के कि मुझे खांसी लग गई है. मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? टीचर्स की क्वालिफिकेशन, वेल, वो तमाम इंस्टाग्राम पे हैं. उनको फ्रेंच मैनीक्योर भी करना आता है. And they only wear sana satinas. यही उनकी क्वालिफिकेशन है. और क्या? मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय द वे मुझे याद आया आपके सना सफीनाज वाली बात से कि आपके स्कूल में बच्चों का यूनिफॉर्म नहीं है. व्हाई नॉट? ओह कम ऑन, डोंट बी ओल्ड स्कूल. स्कूल का मतलब क्या होता है? SCHOOL, राइट? दैट इज 7 क्रैपी आवर्स ऑफ आवर लाइफ. सो इसमें मेरे ख्याल में एक कॉल आ रही है, कॉल ले लेते हैं. जी मैडम, मैं आपका पीएन मुर्तजा बात कर रहा हूँ. मैं आपको कब से कॉल की ट्राई पे ट्राई कर ही जा रहा हूँ, आपका नंबर ही बन जा रहा है, इसलिए मुझे शो में कॉल करना पड़ रहा है. मैंने बच्चों को गंदी बात और चिकनी चमेली पे डांस सिखा दिया रे. और कौन कौन से गाने पे सिखाने का? हाँ तो वो है ना, वो रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग, उस पे करवा. मैम, आप बच्चों को इन गानों पे परफॉर्म करवाएंगे? Why not? इसी तरह तो बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है और इसी तरह बच्चे वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं. जाते हुए आप हमारे बच्चों को और इस यंग जनरेशन को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, वेल, न्यू जनरेशन को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मेरे स्कूल में एडमिशन के लिए आपको गुड लुक्स के साथ साथ डीप पॉकेट्स भी होनी चाहिए और आप में फैशन सेंस भी होनी चाहिए, तभी तो यू कैन बी एन एजुकेशनल रॉक स्टार, राइट? एनीवे, आई गॉट टू गो नाउ, मुझे बहुत जगहों पे जाना है. इनफैक्ट मिसेस डेजी की करवा चौथ पार्टी, हैव टू बी देयर. सो टिल मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय. चलिए जी नाजरीन, उन्हें करवा चौथ पार्टी पे जाना है. तो ये है आजकल हमारे यहाँ हाई फाई स्कूल्स के अंदर तालीम का मैार. और बाकी तो ये है कि आपके सामने ही है. तो अल्लाह हाफिज़, हम सब का
अल्लाह ही हाफिज। बाय द वे यार, अगर ये पसंद आए तो एक ना एक लाइक तो बनता है ना बॉस, तो लाइक कर देना क्योंकि लाइक के भी पैसे नहीं लगते। जी तो नाजरीन, समझ तो आप गए होंगे कि हमारी आज की मेहमान वो हैं जिनकी वजह शोहरत वो खुद हैं। जी हाँ, एक पश्तो फिल्म की बहुत ही पुरानी हीरोइन। तो चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। हाँ तो मैडम, ये बताइएगा कि आपके घर वालों को कोई एतराज नहीं हुआ पश्तो फिल्मों में काम? वाह मड़ा, हमारे घर तो बहुत सख्ती, बहुत पर्दा, बड़ी मुश्किल हुआ हमें फिल्म में आने का इजाजत। पर्दा था पे। जी तो नाजरीन, आपने क्लिप देख ही लिया होगा और इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि वाकई में इनके घर में कितना पर्दा। हमारा ये क्लिप आपको कहां से मिला? पता नहीं लोग किस तरह से हमारे शक्ल पे किसी और का फोटो कॉपी करके लगा देते, ये हम नहीं। अच्छा खैर छोड़े, ये बताइए कि फिल्मों में आने के लिए आप, ये आपकी बाय चॉइस आप आई हैं फिल्मों में, अपनी मर्जी से आई हैं, ये क्या कोई इत्तेफाक था? ऐसा कुछ नहीं है, वो हुआ हमारे साथ इस तरह की जितनी भी हमारी दोस्तें हमारे साथ कॉलेज में थी वो कहती थी मड़ा तुम जाते हुए चलते हुए बहुत अच्छे लगती हो। हाँ समझ तो आप गए होंगे। बस बस मैडम, ठीक है अगले सवाल की तरफ चलते। अच्छा जी, अगला सवाल मेरा ये है कि कभी आपको ऐसा तो होगा कि कैमरे से डर लगा होगा? हमारा बात सुनो, हम पठान हैं, हम तोप से भी नहीं डरते हैं, ठीक है ना? तो क्या होता है कि अगर हमें कोई जरा सा घबराहट होता है तो हमारा डायरेक्टर फौरन हमें एक दवाई निकाल के देता है जिससे हमारा सारा डर भाग जाता है। कौन सी दवाई? बताता है ये लो मड़ा, ये थोड़ा सा तुम भी ट्राई करके देखो, तुम्हारा भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। जी शुक्रिया। अच्छा खैर ये बताइए, बातें तो चलती रहेंगी, आप ये बताइए कि आपको किस चैलेंज का सामना करना पड़ा मड़ा? हाँ चैलेंज तो मुझे बहुत आए, लेकिन एक चैलेंज जो मुझे याद है वो ये कि कभी कभी कैमरा मेरे मुंह पे भी आ जाता था, वरना बाकी वक्त। खैर एनीवे, अगला सवाल मेरा ये है मैम कि आपका फेवरेट हीरो कौन है जिसके साथ आपको काम करके बहुत ही मजा आया? हीरो मड़ा, हाँ फरमान हाशमी के साथ मुझे काम करने का बहुत मजा आया। फरमान हाशमी, ये पश्तो हीरो है? हाँ ना, हमारे गांव का है बाबा। फरमान हाशमी ही लो, बात करते हैं उसमें ऐसा क्या, उसने हमें अंदर तक चुआ है। अंदर तक? क्या मतलब अंदर? अंदर मारे माड़ा, हमारी रूह को चुआ है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा करते हैं एक फोन कॉल ले लेते हैं। ए लका, मुर्तजा खान बात कर रही, ये कैसा पठान है? पठानों के नाम पे दब्बा है ये कैसा काम करती है, हमारा नाम खराब करती। क्या दफा हो, तेरा तो शक्ल ही नहीं किसी से बात करने का, बस शक्ल, तू क्या मेरे से बात करेगा दफा। अच्छा अच्छा जाने दें मैम, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपकी फेवरेट लोकेशन कौन सी है जहां पे आप गाना पे चराई चरा के बहुत ही मजा आया हो? हमारा पसंदीदा लोकेशन, हमारा पसंदीदा लोकेशन एक ट्यूबवेल और दूसरा फवारा, दोनों हमें बहुत ही पसंद है गाना पे चराई चराने का। अब जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज आप हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज दे दीजिए। जाते हुए मैं अपनी आवाम को ये बताना चाहेगा कि जब एक इतनी वजनी पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म की हीरोइन
पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म में राज कर सकती है तो मैं तो दिलों की धड़कन हूं ना, मैं तो मलका हूं ना, तुम मुझसे भी प्यार करे। मेरे इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे, वहां जाकर देखो, इतने बड़े बड़े बोर्ड है, तो वहां मुझसे भी मोहब्बत। नाज़रीन, समझ तो आप गया होगा कि हमारे दिल पे इस वक्त क्या गुजर रहा है, तो मैं बेहतर है कि हम अभी अपना शो खत्म कर दे। तो अगली दफा के लिए खुदा पामान, खुदा पामान हमारा, अल्लाह ही हाफिज। हमारे ये बड़े बड़े ये बड़े ये बड़े बड़े बोर्ड लगे, ये बड़े बड़े क्या दफा हो, तेरा तो शक्ल ही नहीं किसी से बात करने का। ये जो ठीक है।